अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। आप देख रहे हैं प्रॉपर चैनल पार्क यू सिटी इस्लामाबाद के। जो फेज टू आ रहा है उसकी लोकेशन के हवाले से इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, और कनेक्टिविटी कैसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेम्बरान की सवाल था कि भजन इसकी लोकेशन किस जगह पे है, हम कहाँ से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ कि आप अगर पिंडी से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं या जिस जगह से भी आते हैं, तो आप पार्क सिटी फेज टू को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। खासतौर पर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या रावलपिंडी शहर से बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते इस इलाके को, तो मेरे लिए मेरी ये जो वीडियो है खासतौर पर उन लोगों के लिए। नाजिन, ये जो आप मेरे बैक साइड पर रोड देख रहे हैं, ये मेन जीटी रोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जो कि इस साइड पर अगर आप जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर के बाद रवात मिलता है और 2.5 किलोमीटर के बाद आपको टी चौक रावलपिंडी मिलता है, जिसके थ्रू आप जो है इस्लामाबाद हाईवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको डीएचए वगैरह मिलते हैं, गीगा मॉल और रावलपिंडी बैरियर डाउन सारी चीजें मिलती हैं। आप अगर इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए इस साइड में जाते हैं तो आपको गुजर खान और बाकी जो इलाके हैं वो मिलते हैं। इस जगह पे जो मैं मौजूद हूँ, जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये चकबेली खान रोड है, और चकबेली खान रोड का आप समझ लें कि पूरा एक राउंड अबाउट है। यहाँ से आप कनेक्ट करते हैं जीटी रोड से चकबेली खान को। अगर आपने चकबेली खान रोड पर जाना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के फासले के ऊपर यू टर्न लेंगे और इस चकबेली खान रोड को जाके कनेक्ट करेंगे। अब जो पार्क सिटी फेज टू की लोकेशन है वो इस चकबेली खान रोड के ऊपर, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर इसकी लोकेशन आ रही है। इंशाल्लाह लोकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जो हम लोकेशन के ऊपर या जो साइट है वो आपको नहीं दिखा सकते जब तक अप्रूवल ना आए या बाकी चीजें जो है वो कम्प्लीट ना हो। इसके अलावा अगर आप इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं, जीटी रोड को, और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा रवात, और रवात से तकरीबन 500-800 मीटर के बाद आपको मिलता है टी चौक। उसी टी चौक से आप राइट साइड पे होते हैं तो आपको इस्लामाबाद हाईवे मिल जाती है, तो आप बड़ा इजीली इस्लामाबाद को एक्सेस कर सकते हैं। और मजे की बात आपको इस एरिया को बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज लग रही है तो सारी नॉर्मल सोसाइटीज है, छोटी सोसाइटीज आपको नहीं मिलती। अगर आप 500 मीटर के फासले के ऊपर जाते हैं जो खंबा आपको नजर आ रहा है उसके साथ ही आपको DHA 5 का गेट मिलता है, और पूरा इस साइड पे आपको DHA 5 मिलता है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको DHA 4 मिलता है, और फिर गीगा मॉल और DHA 2 और 3 मिल जाता है, जो कि बड़ी आपको पता है एक सोसाइटीज का नाम है, इनका नाम है मार्केट के अंदर, और फिर बैरियर डाउन मिलता है। अगर आप इस चकबेली खान रोड का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आगे जाएं तकरीबन 8-9 किलोमीटर आगे, तो आपको बैरियर डाउन फेज 8 का भी एरिया जितना है वो यहाँ से आपको बड़ा ईजिली मिल जाता है। तो इस टाइम जो लोकेशन आ रही है पार्क सिटी इस्लामाबाद फेज 2 की, तो अगर देखा जाए कनेक्टिविटी के हिसाब से तो बड़ी प्यारी लोकेशन है। आप मेन जीटी रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, और चकबेली खान रोड को इस्तेमाल करते हुए आप मतलब हर जगह बड़ा इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और चकबेली खान रोड के ऊपर इस टाइम जो लैंड्स हैं, जो कीमतें हैं वो बहुत हाई है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज हैं उनको बड़ी सोसाइटीज मिलती है, जैसे बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको जराज हाउस सोसाइटी मिलती है जो कि गीगा मॉल के सामने है। तो इस लोकेशन के ऊपर पार्क सिटी फेज 2 का लॉन्च करना इसलिए बनता था कि यहाँ से आप हर जगह पे बड़ा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जमीनों की डेवलपमेंट की बात करेंगे, पार्क सिटी इस्लामाबाद का आपने देखा वो सारा मार्गरा हिल्स के ऊपर बना है, वहां पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी या जो डेवलपमेंट के ऊपर होल्डर्स आनी थी वो काफी ज्यादा थी। एक बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजरते हुए उन्होंने 8 से 9 ब्लॉक को डिलीवर किया। और अगर आप इस लैंड की बात करें तो ये एक पोठार रीजन है, पोठार रीजन के अंदर आपको पता है एक सॉफ्ट लैंड मिलती है आपको, और मतलब डेवलपमेंट में इतनी ज्यादा जो है हर्डल्स नहीं आती एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद मरगला हिल्स। अगर आप मरगला हिल्स को देखें या पार्क सिटी इस्लामाबाद को देखें, वहां पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है आपके मेरे आंखों के सामने हुई है, तो वहां पे बाउंड ब्लास्टिंग करके पत्थर को छोड़ा जाता था और बड़ी डिगिंग करके तो प्लॉट की खुदाई और इसके अलावा जो रोड स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर आप इस साइड में देखें तो ये बड़ी एक सॉफ्ट लैंड है, और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर डिलीवर होगा। प्री लॉन्च रेट के मुताबिक 5 मरला 10 मरला के जो रेट्स आए हैं, 50 लाख रुपए 5 मरला रेट है, 25% डाउन पेमेंट है जो कि 12.5 लाख रुपए बनती है, 10 मरला प्लॉट 85 लाख रुपए प्री लॉन्च रेट है। ईद से पहले अगर आप इंशाल्लाह बुकिंग करवाते हैं तो आपको एक अच्छी लोकेशन के ऊपर एक प्री लॉन्च रेट के ऊपर प्लॉट मिल सकता है, और इंशाल्लाह इसके अंदर कन्फर्म प्रॉफिट होगा। पार्क सिटी इस्लामाबाद जिसके अंदर हमने 45 और 35 लाख रुपए के प्लॉट दिए थे, आज वो 1 करोड़ प्लस पे ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास ब्लॉक डिलीवर हो चुके हैं उसमें आपको एक एक घर 3.5 करोड़ रुपए का मिलता है। तो ये आज की एक वीडियो थी कनेक्टिविटी के हवाले से कि आप अगर किसी भी सोसाइटी को लेते हैं तो आपने 3 चीजें देखनी होती है, उनके डेवलपर, आपने उनका बैकग्राउंड स्टेटस देखना होता है, आपने लोकेशन देखनी होती है कि किस जगह पे फॉल कर रही है, प्राइम लोकेशन है और पिंडी के बड़े करीब तक की है। तो आज ही दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इसकी मुकम्मल डिटेल आप हमसे हासिल कर सकते हैं। फिर वक्त के लिए तय मोहम्मद इसहाक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।